और कश्मीर पीपल्स पार्टी जिला पंच सुधार जावेद के साथ साहेब भारत साहेब और बहुत सारे दोस्त स्टेज पे और पंडाल में इसी सप्ते में सबके नाम नहीं ले सकूंगा, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। और मैं सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का भाइयों का पहले से मशहूर हूँ कि आप दूसरा इलाकों से तशरीफ लाए और आपने इस कन्वेंशन जो आज जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी का दो साल जिला पुलिस का कन्वेंशन है उसमें आपने शिरकत की। नुमाइंदगी जो है वो अपने अपने इलाकों की, मैं इसका ज्यादा क्रेडिट जो ये कन्वेंशन आज का कामयाब, मैं इसको पूरी तरीके से कामयाब नहीं कहूंगा उसकी वजह है, लेकिन जो जिस तादाद में आप दोस्त दूर दराज इलाकों से आए हैं, जो दिलचस्पी आपने इस कन्वेंशन में ली है, उसका ज्यादा क्रेडिट मैं उन उम्मीदवारों को दूंगा जिन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए और फिर एक भरपूर मुहिम चलाए। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकूंगा क्योंकि एक का किसी का भी ले जाएगा तो वह नाराज होगा। तमाम उम्मीदवार जितने इस मुकाबले में थे उन सब ने मिलकर इस आज के इस कन्वेंशन को, इसमें जो भरपूर शिरकत आप मेरे साथियों की दोस्तों की और खसूस जो नजरियाती कारकुन हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के, उसको उन्होंने यकीनी बनाया। लेकिन जहां उन्होंने ये काम किया और आप सबको यहां इकट्ठा किया, हम सब आपके दरमियान बैठे, वहां इन्होंने इसको नाकाम बनाने में भी अपना पूरा जोर लगा दिया। मैं सही बात आपको बताता हूँ, कन्वेंशन तब कामयाब होता कि जो 400 वोटर यहाँ आया था वो अपना वोट पोल करता और जो सीक्रेट बैलेट है जिसको हम सीक्रेट बैलेट कहते हैं उसके जरिए वो अपना नुमाइंदा चुनता, तब मैं इसको कामयाब कन्वेंशन माना। ये तो कहने की बात है, ये तो सब जमातें पाकिस्तान की कर रही है, ये तो इमरान खान जो इनकलाब ला रहा है वो भी इस किस्म का एक ढकोसा जो है वो इलेक्शन का वो भी एक इनकार करने के लिए कर रहा है। नून लीग भी कर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है और जमात इस्लामी तो बार बार करती है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप सिर्फ इन जमातों पर तब अपनी बर्तनी साबित कर सकते हैं जिसको वन मैन वन वोट कहते हैं, जब तक आप अपनी जमात के अंदर क्यादत वन मैन वन वोट के लिए नहीं लाएंगे, आप में और दूसरी जमातों में कोई ज्यादा फर्क है ही। मुझे जब मैं आया मुझे इतनी खुशी थी, मैं सही बात आपको बताऊं, कोई ये जलसे जुलूस की खुशी नहीं थी कि आप मुझे वहां से मेरा इस्तकबाल करके लाए, ये तो इंतखाबात में बहुत बड़ा इस्तकबाल मेरा किया था और मुझे याद है मेरे साथ पाकिस्तान के बकौल अपना महमूद इकबाल साहब के कि पाकिस्तान की क्यादत नहीं है, उनको उनके सामने कहते हैं जनाब आप बहुत बड़ी क्यादत है, आप पाकिस्तान की क्यादत है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये इस्तकबाल बात नहीं है, ये हाउ की सियासत अब खत्म होनी चाहिए, अब संजीदा सियासत का वक्त है, संजीदा सियासत करनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैंने दोस्तों को कहा कि ये वहां से मुझे लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यही बैठे अपनी अपनी विशेषतों में, मैं आपके दरमियान में आ जाऊंगा, लेकिन जो असल मकसद है इस कन्वेंशन को कराने का वो होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैं यहाँ आपको एक बात कहता हूँ, मेरे दोस्त आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, नैयर अय्यूब साहब हमारे साथी दोस्त, हमारे एक तवील अरसा तीन कन्वेंशन में हमने उनको चुना और दो एक में चुना दो में उसमें भी यही कुछ हुआ जो आज हुआ। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो उनका पहली दफा उनका चुनना था, मैं समझता हूँ कि उस बुनियाद पर कि उन्होंने हमारे गरीबा साथी जनाब अपना न्यास ताय साहब के मुकाबले में उन्होंने जेन्युइन, उस वक्त भी न्यास ताय साहब घर घर गए
میں یہ سب گھر گھر کے میں آپ کو آج یہ رات کی بات بتاتا ہوں, عموماً آپ دوستوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. کہ نیر ایوب صاحب اور میں 2001 کے الیکشن کے بعد 2004 جس دن وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی ضلع پونچھ کے صدر منتخب ہوئے, 2001 سے 2004 تک میرے ساتھ ان کی کوئی گفت و شنید نہیں, مطلب بات ہی نہیں ہم ایک دوسرے سے کرتے تھے. لیکن جب آپ کے ووٹ تھے 100 ووٹ اندازن آپ نے نیر ایوب صاحب کو ڈالا اور 26 یا 30 ووٹ آپ نے نیاز طاہر صاحب کو ڈالے, تو آپ کے ووٹ کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ان کو ملی اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے نیر ایوب صاحب کو اگلے آنے والے 6 سال ہم نے ان کو تسلیم کی, کیونکہ آپ کا جینوئن ووٹ ان کو پڑا اور آپ کے ووٹ سے وہ منتخب ہوئے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے جاوید نثار صاحب کے ساتھ جاتی کی ہے, میرے دوست عامر صاحب بھی آئے ہیں, مدر صاحب بھی ہیں, نظام صاحب بھی ہیں, یہ ویسے بھی جیت رہے تھے. میں آپ کو میری جو خبریں ہیں کل رات یہ ویسے جیت رہے تھے, یہ باقی ساروں نے مل کر ان کے ساتھ ایک سازش کر دی, ان کو ہم مل کے کہتے ہیں کہ جی آپ کے حق میں ہم وڈرال کر رہے ہیں, تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر یہ منتخب ہو کر آج یہاں بیٹھے ہوتے تو اگلے 6 سال ان کا کوئی مقابلہ ہی تھا, چاہے میں ہی کیوں نہ ان کی مقابلہ. تو یہ چیز ہم نے زیادتی کی اپنے امیدواروں کے ساتھ جو عہدیدار ہمارے منتخب ہوئے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کہنے کی باتیں نہیں, یہ تو ساری جماعتیں کہتی ہیں, کہتی کچھ ہیں پبلک میں, کہتی کچھ ہے اندر خانے کرتی کچھ ہے. جو لوگ کہہ رہے میں انقلاب لاؤں گا وہ اپنے گھر اپنی جماعت میں انتخاب نہیں کر سکتے, جو لوگ اپنی جماعت میں انتخاب نہیں کر سکتے میں آپ سے کہتا ہوں ساری زندگی ایڑیاں رگڑتے رہے کبھی انقلاب نہیں لا سکتے. ملک ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جماعت میں انتخاب نہیں کروایا, اس کا نتیجہ ہے کہ آج آصف علی زرداری جیسا بدکمال صاحب بھی ہمارے سروں پر مسلط, اور صرف ہمارے سروں پر نہیں ساری پاکستانی قوم کے سروں پر مسلط. صرف یہ ذوالفقار علی بھٹو کا غلط ویژن تھا کہ جس نے 12 سال اپنی جماعت میں بغیر انتخاب کے صدارت جو ہے اور چیئرمین شپ اپنے پاس رکھی اور لوگوں کو ووٹ کا حق مان کر اپنی جماعت کے کارکنوں کو ووٹ کا حق دیا, اور محتما بیلی بھٹو تک سونے پہ سہاگا. انہوں نے کہا کہ تاحیات میں جناب سنے جماعت رہوں گی چیئر پرسن. ابھی اللہ کی مرضی پہ حیات اتنی لمبی نہیں تھی, اگر لمبی ہوتی تو 7-1 سال بھر بھی چل رہی. تو میں آپ صرف کہتا ہوں کہ ہمارے میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں, یہ جو باتیں آپ کہتے ہیں نا کہ اگلا الیکشن آئے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں, ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے الیکشن میں کیا کرنا ہے. یہ ابھی 8 مہینے گزرے, 10 مہینے ہو گئے تھوڑا سے مجھے کم لگے, یہ ابھی 8 مہینے پہلے گزرے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگلا الیکشن اگر آئے گا اور ہم نے اپنے رویے درست نہ کیے بشمول میرے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. جب تک ہم اپنے کال آف فیئر میں تضاد ختم نہیں کریں گے یہ مصیبتیں ہم پر مسلط ہوتی رہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ میں کسی کی ذات کی آج بات ہی نہیں کرتا, میں کسی کی ذات کے خلاف بات کرنا ہی نہیں چاہتا, یہ کنونشن لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا, یہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے بلایا گیا. اور آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی, آپ نے جو وہ عہدیدار منتخب کیے ہیں آپ نے سب نے مل بیٹھ کر وہی جو کچھ آصف علی زرداری اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں وہی ہم نے بھی کر دیا. وہی کام جو اس نے کیا کہ جی مجھے ایک وصیت ملی ہے محترمہ بیلی بھٹو کی, کہیں 10 منٹ میں سے وہ نکال کے اس نے کہا یہ میرا بیٹا صدر ہے اور میں اس کا نائب ہوں. آپ اندازہ کر رہے باپ بیٹا ہو گیا اور بیٹا باپ بن گیا. ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں, اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. آپ ناراض نہ ہوں, پتہ نہیں بڑی مشکل سے آپ کو یہ لوگ لائے, میری باتوں سے آپ پتہ نہیں ناراض ہوتے تھے, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سچ بات ہمیں کرنی پڑے گی, آپ کو بتانی پڑے گی. یہاں اپنا ڈاکٹر کریم صاحب نے کہا, آپ نے ڈاکٹر کریم صاحب نے میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پی وائی سی اور میں نے بلال صاحب کا نام لیا, بلال صاحب ابھی میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں, سفر کرتے ہیں, میں وہاں دوستوں کو لے کے میرے ساتھ آتے, ایک ایک دو دو گھنٹے ہماری ان کی محفل اکٹھی ہوتی ہے, اور میں نے خود نوٹ کیا کہ جب جلوس آ رہا تھا جب پی ایس ایف کا جب دفتر آیا تو بلال صاحب خود, جبکہ میں کو بار بار یہ تحقیق کی ہے کہ جب مخالف کا دفتر آئے تو اپنا نعرہ لگاؤ اس کے خلاف نعرہ لگاؤ. اب کیا سکھائے گا اپنے,
ये तो रखी है जो इन्होंने की है कि वहाँ जब पहुँचे तो पहले मेरा नारा लग रहा था वहाँ पर ही सारी सरकारी और उसके हमारी और यह कह चुके हूँ हम कहेंगे और जब तक वो जाता हम कहते रहेंगे लेकिन उनके दफ्तर के सामने जब वो चार आदमी बैठे हुए आप 400 आदमी हैं ये कोई बाकी की बात नहीं है वहाँ सही बात बताता हूँ जरा बात आप में से अक्सर दोस्त मौजूद है जहाँ दोस्तों ने तीन का पाँच सेकेंड किया चार का भी सेकेंड किया दूसरे हमको एक और दो का भी सेकेंड किया मैं आपको सही बात बताता हूँ मैं आपसे सही बात कर कि जब मैं जहाँ बैठा अपने नतज होता था ये आप तीसरा इलेक्शन था कि मैं एक ही हल्के के नतज होता था मैं दूसरा शनिवार था उससे पहले दो हल्कों में इलेक्शन था तो मुझे बड़ी परेशानी थी मैं सही बात बताऊँ कि जब वो नतज आ रहे थे शुरू में आपका तीन थे एक साथ में अखबार उठाएगा उसमें भी कहूँगा अखबार छोड़ दे या बाहर चले जाए मैं यही करके बात करने की कोशिश कर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं जब नतज सुन रहा था मेरे और राजू साहब का फर्क कोई 1-2 हज़ार का था वो हमसे आगे थे मैं उनसे पीछे था मुझे बड़ी परेशानी थी मैं बहुत परेशान था कि भाई ये और इसमें कोई शक नहीं मैं आपको सही बात बताऊँ मैंने अपने घर से सुबह शुरू अब लोग ये भी मुझसे पूछते हैं लाला कौन सा बढ़िया से बात कर रहा हूँ इसमें थोड़ी सी तफसील से बात करूँ मुझे लोगों ने मैं अपने घर से उठा सुबह तो 10 बजे करीब और अपना पहला पुलिस स्टेशन जहाँ मैं आया जिसको डरना तो पर पुलिस स्टेशन कहते तो मैं वहाँ जो कैफियत देखी वही दीदी की मेरे साथ की अपनी दीदी को कहा कि तुम अपना वोट खोल करो मैं अपना वोट वोट खोल किया मैंने वहाँ की सुबह पे हाल देखी मैंने कहा मुझे वही ये पता लग गया कि आज का ये लक्ष्य को छाया के समय नहीं थे उसके बाद तीन चार पुलिस स्टेशन से नीचे के जो मैंने देखे जो जिसको आपने अपने पुलिस स्टेशन कहा जाता वो जब मैंने आरोप शुरू किया देखी तो मुझे फिर 12 बजे पता लग गया था कि ये लक्ष्य ना हार गए लेकिन अल्लाह ताला के अपने काम होते उसमें कोई खैर की कोई कमी जरूर और जब मैंने रात को इलेक्शन नताए सुने और जब मैंने देखा कि वो 2.5-1.5 हज़ार हाजी हकूम से आते हैं मुझे बड़ी परेशानी लेकिन एकदम एक साहब अंदर गए और उन्होंने कहा जी मैं रेडियो सुन के आया हूँ आपके 17,600 वोट है और उसके 27,000 मैं एकदम तसली में हो गया कि जो काम हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया था वो आखिर उन्होंने कर दिया इसके बावजूद कि वो इलेक्शन जीते हुए लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बेईमानी से वो बांट दिया है और 10,000 वोटों का इजाफा उसके वोटों में 17 का इजाफा किया मेरे में चुनाव 7 का इजाफा किया और 10 उसको वहाँ हमें वर्ल्ड ग्राउंड में हमें बात करने का ठीक है हमें पता है हम इन हल्कों में इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ बहुत बड़ा राष्ट्रदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब इलेक्शन लड़े तो वो भी 3,000 वोटों से जीते यहाँ बड़े बड़े सूरमा आए कोई भी 10,000 की जीत नहीं थी तो कौन हल्का जिसने 31,000 की जीत से इलेक्शन की तो ये मैं आपसे कहता हूँ कि जो हमने हमारी कमजोरियों ये इलेक्शन जो है ये इसमें अगर हारे हम जरूर हैं मानते हैं लेकिन जनाब ये जो जीत है ये जो मार्जिन बनाया गया है ये हमारे खिलाफ गलत मार्जिन है उस पर हमारी थोड़ी सी बचत हो गई तो मैं जो दोस्त आप मौजूद थे आपको पता लगा छोटा सा दरवाजा उसको मैं अपना हाथ पाँव पर नहीं करा मैं उसको वोट पर ला के बाहर आ जाता था चले इनको भी आज से बताया जाए कि हाथ का किस तरह मुकाबला उस दिन से आज तक कोई जवाब नहीं कोई नहीं आपको सही बात साहब जाते मुझे अब ऐसी जगह पर जाते मैं भी कोई कर उसमें साहब और एक जगह बैठे जिस जहाँ एक वक्त की पाकिस्तान की सारी क्या बैठी थी वो एक हमारा ग्रुप है जिसमें सबक मुझे खाजा सबक मुझे इतलास गवर्नर सारे लोग बैठते बैठे मतलब तो वो मुझे पूछने लगे कि क्या वजह थी आपके में इलेक्शन आया थोड़ा सा हमको पता नहीं था उन्होंने कहा जी सुना कि आपने अपना हल्का छोड़ के दूसरे हल्के में इलेक्शन लड़ा मैंने कहा मैंने अपना हल्का छोड़ा होगा दूसरा हल्का भी मैंने कहा उसका हमारी गाँव मेरा उस हल्के में लेकिन मैं कहता उस हल्के में इसलिए मैंने कोई वो नहीं छोड़ा कि उनको बताया कि वहाँ दो किस्म की सियासत हो एक वो सियासत हो रही है जो इस वक्त के हालात इसमें के सतर्क कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं मैं आज भी कहता हूँ हो सकता है वो सही कर रहे एक सियासत हम कर वो कोई रास्ता नहीं छोड़ते जिसके लिए वो इकतदार में रहा
आपने देखा एक दफा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, दूसरी दफा आजाद की, तीसरी दफा पीपल्स पार्टी, हम कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ते जब गलत बात हो तो हम इंतजार छोड़ के करता हूँ। ये दो मुख्य हम इंतजार छोड़ने के लिए हमें परवाह नहीं होती, हम दो सदन मिलते स्पीकर को देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, हमने कहा यह मुकाबला था हमारा, वो इंतजार में जाने के रास्ते घूमते, हम इंतजार से निकलने के रास्ते घूमते, लोगों ने गाड़ी जाने वाला हमें वो हमें अपने लोगों का फैसला इसके बावजूद तो बहुत बड़ी बात हुई, हमने इस सब का कबूल किया। कल ये दोस्त मेरे कहने लगे कि हम बिजली के खिलाफ जुलूस निकाल, हम आटे और जो महंगाई है डीजल की, आटे की, किराए की, बेरोजगारी, तो मैंने उसको कहा आप किसने ठेका लिया होगा कि आप बिजली के खिलाफ जुलूस। हमने तो ये बातें 8 महीने पहले इसी ग्राउंड में खड़े होकर कहा था। मैंने कहा ये मेरे जीतने और हारने की बसता नहीं है, ये पाकिस्तानी हुक्मरानों को डिस्चार्ज करने की बात है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को इकतदार से उठा के बाहर फेंकने का सवाल है। या हाजी साहब ने जीतेगा या मैंने जीतूंगा, या सरकारी जीतेगा या उसके मुखालिफ आए, आप सबने कहा तो नहीं जीत, हमें ये मिली लाड़काना बन, आज ये मिली लाड़काना नहीं है, ये मैक्सी लाड़काना बन गया। लाड़काने में 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, आपको उन्होंने 18 घंटे लोड शेडिंग, उनका लाड़काना बना। मैं आपसे करता हूँ कि हमने आपको कहा कि भाई ये वक्त है कि 4 घंटे बिजली आती है, एक वक्त आएगा कि 4 घंटे जाती, हमने इलेक्शन से पहले आपसे कहा, हमने कहा एक वक्त आएगा कि 4 घंटे आया करें, आज वो वक्त आ गया आपके सामने। क्यादत का काम, जमातों का काम यही होती है, यही होते आपसे करता हूँ कि ये जमातों का काम ये होता है कि लोगों को आज से 10 साल आगे की बात बताएं, आज से 20 साल आगे की बात बताएं। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को जब आपने वोट दिए 1947 में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई खुद तो बंदूक नहीं उठाई, किसी ने देखा कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने खुद बंदूक उठा के चला रही थी, लेकिन उन्होंने वो फैसले जो शेख अब्दुल्ला नहीं कर सका, तो चौधरी गुलाम अब्बास नहीं कर सका, तो चौधरी हमीदुल्ला नहीं कर सका, वो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने आपके नुमाइंदे की हैसियत थी और उनके फैसले थे और आपने बताए और ये सत्ता आजाद। हम तो जमाते इसीलिए कि वो आपके फैसले कर सकते, आगे आप उनको कबूल करते या नहीं करते वो आप। अगर 1947 में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के फैसलों को आप कबूल ना करते, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब अकेले तो ये खिता आजाद नहीं करवा सकते, तमाम कौमें खसूस जो आजाद कश्मीर समाज के सारा है, इसकी तमाम कौमें सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के साथ। तो ये फैसले हमने कर दिए, उनका साथ आपने दिया, हम आज भी ये फैसला करते हैं, आज भी आपको ये कहते हैं कि चोर को चोर क्या करेंगे, डाकू को डाकू करेंगे, एक दफा भी 10 दफा आ जाए अपना पास, हमें तो कोई शर्मी नहीं की। यहाँ दोस्तों ने कहा जिस दिन आसिफ अली जरदारी को अपना पाकिस्तान का सदर बना रहे थे, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लामाबाद में अपने घर में ये कहा कि भाई पाकिस्तान में कोई 18 करोड़ में कोई शरीफ आदमी ढूंढो, अगर कोई मिलता है तो उसको सदर बनाओ, उसको मर दो। आप अंदाजा करें हमारी तो सियासी गुफ्तगू थी। आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट जो सबसे बड़ा अदलिया का जो जो इदारा है, जो सुप्रीम कोर्ट, उसने वजीर आजम गिलानी को यह कहा कि तुम बाजार बदयानत आदमी नहीं हो, ये कहता है अभी कहता है कि कोर्ट मेरे खिलाफ अभी कोई। मैं आपसे कहता हूँ अगर जमहूरियत होती कहीं इस मुल्क में और जमहूरियत का पासदार कोई होता, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि तुम बाजार बदयानत आदमी होते हो, अगर कोई जमहूरियत पसंद होता तो कहता मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, डिजॉल्व करो, अब आपसे फैसला लूंगा कि मैं बदयानत हूँ या इमाम का। तो हिम्मत कहाँ है, ये आज हमें लोग कहते हैं कि इस्तीफे दे दिए या आप इलेक्शन हार गए, अगर इस मुल्क में इस्तीफों की रिवायत पड़ी होती तो जनाब जहाँ इदारों को क्या नहीं होती कि खत्म कर सकते, अगर इस्तीफों की रिवायत पड़ी होती, नहीं पड़ी, ना गुलाम मोहम्मद ने दिया, ना चौधरी मोहम्मद अली ने दिया, ना जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया, जब उन्होंने इलेक्शन 1977 का जो रिक किया, जो जिसके नतीजे में हुकूमत खत्म हुई, वो फांसी के पंजे पर चढ़ गए, अगर वो 12-10 तारीख को जब उनको पता था कि ये इलेक्शन रिक हुआ वो इस्तीफा देते, मैं अफसोस करता हूँ किसी की चाह भी नहीं थी कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म करें, लेकिन ये नहीं है, ये रिवायत नहीं डाली।
हमने थोड़ी बहुत जा लिया तो पीछे हमारे और भी चलने शुरू हो गए, मारी मेहमत है उसके अलावा कोई हार गए इलेक्शन, हम हार गए इलेक्शन, आज हमारे पास कोई सीट असेंबली में नहीं है आपके सामने। मैं आपसे करता हूँ कि किस तरह ये दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए, कोई जमात इस खुलूस से किसी को इकट्ठा करके देखे तो मैं हम उसके खुलूस ही देखे आपके सामने इलेक्शन लड़ो। मैं अपने हल्का नंबर 3 के दोस्तों के बारे में यहाँ बहुत बात हूँ, मैं आपसे करता हूँ कि मैं ये नहीं मानता मैं दोस्त 3 के नाराज ना हूँ। मैंने कोई 17,600 वोट नहीं दी, मैंने अंदाजन 12,000 वोट दिए। और मैं आपसे करता हूँ कि मैं उन 12,500 वोटों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने तमाम कागज को ठुकरा कर मेरा साथ दिया। क्या था मेरे पास, मैं लोगों को कह रहा और लोग कह रहे थे वायदा ही कर दो, अगर और कुछ नहीं कर सकते कुछ वायदा ही कर दो, कहता मैं झूठा वायदा भी कर दिया। उसके बावजूद आप सोचे इस 1980 के दौर में जिन्होंने 12,600 वोट मुझे दिया मैं उनको सलाम पेश करता, पता नहीं इलेक्शन लड़ूंगा लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन सलाम साहब जब तक जिंदा हूँ आपको पेश करना है क्योंकि अगले इलेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये आप लोग प्यार दीजिए तो मुझे राज्य हमारे दोस्त है मौजूद है क्योंकि मजबूत जी ने उन्होंने कहा कि वो सुना आप तो रहते ही नहीं है वहाँ बतना कोर्ट पर, तो इसलिए भी आप सुना तो सुधार साहब 1990 में इलेक्शन हुआ वही एक्सपीरियंस हो गए लोगों ने उन्होंने कहा कि आप लोग रहते हैं आपको इलेक्शन आ रही है नहीं रहता मुझे इलेक्शन अनुवाद जी। मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी बातें नहीं, ये लोगों की कमजोरी है जिनको लोग पता था हमने नक्सलों से पूछा जिसने वोट 2,000 में बेचा हुआ